माता दी हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? पितृपक्ष की संपूर्ण जानकारी कब से शुरू हो रहे हैं और कौन सी तिथि किस दिन पड़ेगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को प्राप्त हो जाएगी। आरंभ करते हैं। पितृपक्ष जो कि पितरों को समर्पित है, इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म इत्यादि किए जाते हैं। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से हो जाती है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक होती है। अपने आप में यह दिन पितरों के लिए दान तर्पण श्राद्ध कर्म इत्यादि के लिए जाने जाते हैं। इस वर्ष थोड़ा देर से शुरू हो रहे हैं क्योंकि इस वर्ष 2023 में अधिक मास होने के कारण ऐसा हो रहा है। आप सभी अपने पितरों के निवृत्त अपनी तिथियों के अनुसार, जैसे पितरों को जो है तिथि सम्मिलित होती है, उस अनुसार दान पुण्य और तर्पण इत्यादि के कर्म जरूर से कीजिएगा। पितरों के मोक्ष और उनके तारण के लिए यह आवश्यक होते हैं और साल भर में पड़ने वाले यह दिन अपने आप में विशेष होते हैं। तो देर न करते हुए आरंभ करते हैं। 2023 में इस वर्ष पितृपक्ष श्राद्ध आरंभ होंगे 29 सितंबर 2023 के दिन, शुक्रवार हो रहा है, उस दिन से आरंभ होंगे और पितृपक्ष का समापन होगा 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार के दिन। ठीक है, यह सभी चीज़ें स्क्रीन पर भी आप सभी को दिखाई दे रही होंगी पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से, तो आप सभी इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। अब जानते हैं सभी तिथियां जो कि पूरे 2023 में आपके पितरों को समर्पित होंगी और इन तिथियों के अनुसार जो अपने पितरों की तिथि पड़ती है उन अनुसार आप उनके निवृत्त दान पुण्य तर्पण इत्यादि के कार्य करें। तो प्रथम तिथि जो कि मैं समर्पित है वह होगी 29 सितंबर 2023 को। 30 सितंबर प्रतिपदा श्राद्ध द्वितीया का रहेगा, 1 अक्टूबर तृतीया श्राद्ध रहेगा, 2 अक्टूबर के दिन चतुर्थी श्राद्ध रहेगा, 3 अक्टूबर के दिन पंचमी का श्राद्ध किया जाएगा, 4 अक्टूबर के दिन षष्ठी का श्राद्ध किया जाएगा, 5 अक्टूबर के दिन सप्तमी को श्राद्ध होगा, 6 अक्टूबर के दिन अष्टमी का श्राद्ध होगा और साथ ही 7 अक्टूबर के दिन नवमी का श्राद्ध किया जाएगा, 8 अक्टूबर के दिन दसवीं का श्राद्ध होगा, 9 अक्टूबर के दिन एकादशी का श्राद्ध किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं द्वादशी के श्राद्ध की। द्वादशी का श्राद्ध होगा 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर के दिन त्रयोदशी का श्राद्ध किया जाएगा, 13 अक्टूबर के दिन चतुर्दशी का श्राद्ध किया जाना शास्त्र सम्मत कहा गया है। साथ ही 14 अक्टूबर के दिन सर्वपित्र अमावस्या रहेगी। जो भी व्यक्ति इन जब सब तिथियों में किसी कारण से सूतक पातक की स्थिति या भूल चूक के कारण कुछ विशेष नहीं कर पाता तो वह व्यक्ति अमावस्या अर्थात सर्वपित्र अमावस्या के दिन, जो कि 14 अक्टूबर के दिन, श्राद्ध कर्म तर्पण और दान पुण्य दीपदान इत्यादि अपने पितरों के नाम का जरूर से करता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। आप सभी भी अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ विशेष करने का प्रयत्न करें। पितर प्रसन्न होते हैं तो वह भक्त को वंश वृद्धि धन संपदा और सब सुख प्रदान करते हैं। साल भर में पड़ने वाली यह तिथि अपने पितरों को समर्पित होती है। पितरों का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, उनके निवृत्त हम कुछ भी विशेष कार्य करते हैं तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं। खासतौर पर दीपदान, अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गौदान और दान पुण्य और तर्पण इत्यादि इसमें सम्मिलित है। वीडियो योगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर